अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यारों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज दोबारा फिर एक बार मौसम ने ली है अंगड़ाई, और मौसम देखें कैसा हो रहा है। आपको शायद नज़र ना आए तो मैं बीरोल चलाता हूँ। बिल्कुल सामने सूरज होता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और बिल्कुल सामने सनसेट होता है, लेकिन आज देखें आप, ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि किस तरफ से वैसे सूरज होता है। आम दिनों में मतलब सिर्फ एक ही जैसा, जैसे यूनिफॉर्म कोई क्लाउड्स होते हैं ना, वैसा मौसम हो रहा है यार। अभी अफ्तार में 1 घंटा है और ऐसा लग रहा है कि अफ्तार 2 मिनट में होने वाली है। मतलब ऐसा लग रहा है गुरूब या आफ्ताब या जो सनसेट है वो हो चुका है। इस तरह लग रहा है मौसम, देखें आप। ऐसा मौसम हैदराबाद में कभी कभी होता है, वाकई रियली बता रहा हूँ, सच में हैदराबाद में कभी कभी ऐसा मौसम होता है। और ऐसे मौसम में दिल करता है कि भाई बाहर जाएँ, घूमें फिरें, लेकिन काश के हालात सही होते, काश के हम घूम फिर सकते, काश के सब कुछ खुला होता। लेकिन घूम फिर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन है कुछ खुला ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज 21 रमज़ान है, 21वां रोज़ा आपको मुबारक, 21 रमज़ान मुबारक। तीसरा जुम्मा है रमज़ान का, तीसरा जुम्मा आपको मुबारक। और आज हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में और एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा। उसमें मदीना की ज्यारतें हैं, और मदीना जिस मस्जिद नबी के 7 नंबर गेट से हम जब जाते थे तो उसी गेट से थोड़ा आगे मस्जिद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम है, और वो बंद होती है, लेकिन उसमें एक छोटे से सुराख से उसकी थोड़ी सी ज्यारत की थी मैंने, और वो मैंने वीडियो में बनाई थी, तो उस वीडियो में वो ज्यारत भी है, तो आप वो जाके चेक कर लेना। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वैसे भी मदीना आपको पता है माशाल्लाह मदीना। तो अभी इंजॉय करते हैं थोड़ा शॉट्स। माशाल्लाह नेचर इज़ नेचर, मैंने आपको सनसेट पहले दिखाया भी था। मतलब आप पूरे आसमान में देखें, ऐसा पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन से सूरज निकलता है। इस साइड से रोशनी ज़्यादा है, हालांकि ये अपोजिट साइड है और ये इस साइड होता है सूरज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।